मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे गोवा से। जी हाँ, गोवा वो राज्य जहां बीजेपी पूरी तरह से बहुमत तो हासिल नहीं कर सकी, लेकिन वहां सरकार बनाने में कामयाब जरूर हो गई। हालांकि कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि वो बीजेपी को गोवा में सत्ता से दूर रखने के लिए हर कोशिश करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी उस कोशिश में फेल होती नजर आई, क्योंकि 28 मार्च को प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं और उनके शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा जैसे बड़े बीजेपी नेता शामिल होंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि गोवा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में ये शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और जिस तरह की तस्वीरें हमें उत्तर प्रदेश के शपथ ग्रहण समारोह में देखने को मिली थी, लगभग कुछ वैसी ही तस्वीरें हमें गोवा से भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि गोवा वो राज्य रहा है जहां लंबे वक्त से बीजेपी सत्ता में थी और इस दौरान ऐसा लग रहा था कि 2022 के चुनाव में कुछ तस्वीर बदल सकती है, लेकिन तस्वीर में कोई बदलाव नहीं हुआ और बीजेपी दोबारा से सत्ता में लौट कर आई। तो देखना यह होगा कि क्या अभी भी बीजेपी लगातार जिस तरह से हर राज्य में अपनी सरकार बनाती जा रही है और इन 5 राज्यों के चुनावों के बाद क्या हिमाचल में और गुजरात में भी यही दौर जारी रहता है या फिर इस चीज में बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि गुजरात विधानसभा की बात की जाए तो बीजेपी के पास 99 सीटें हैं और 92 सीटें चाहिए होती हैं वहां पर सरकार बनाने के लिए। हालांकि कांग्रेस के पास भी वहां पर 77 सीटें हैं तो कांग्रेस की स्थिति भी मजबूत है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी इन दोनों पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है, ये देखना है मुझे आता है। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।